हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेवल अप लर्निंग। माय नेम इज सिमरन गुंबर। ये एक छोटी सी वीडियो आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, ऑल द बेस्ट विश करने के लिए आपके एग्जाम्स के लिए, और कुछ इंपॉर्टेंट लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स बताने के लिए। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आपको पूरा देखना है। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, लेकिन बहुत ही खास इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में है। सबसे पहले ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मैं अपने पूरे सच्चे दिल से तुम सबको बहुत बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दे रही हूँ कि तुम अपना पेपर सब बच्चे बहुत अच्छा कर कर आओ और सब बच्चे बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपनी मेहनत पर भरोसा रखना, तुम्हारे सारे पेपर बहुत अच्छे जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में जब हम पेपर देने जाएंगे तो हमें क्या क्या चीजें साथ लेकर जानी है। एक अपना हॉल टिकट, जिसे हम एडमिट कार्ड भी कहते हैं, वो लेकर जाना है। दूसरा, अपना इग्नू का आई कार्ड लेकर जाना है। अगर आपके पास इग्नू का आई कार्ड नहीं है तो आप अपना गवर्नमेंट अप्रूव, जैसे आधार कार्ड होता है जिसमें आपकी फोटो भी लगी होती है, वो ले जा सकते हो। अगर किसी ने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करा है तो मैंने चैनल पर वीडियो डाली है कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होगा। उसमें पूरा का पूरा प्रोसेस बताया है, उसे फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना, उसका प्रिंट आउट करा लेना। अगर इग्नू का आई कार्ड नहीं है तो उसकी वीडियो का लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि इग्नू का आई कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। उस प्रोसीजर को फॉलो करके अपना आई कार्ड डाउनलोड कर लेना। फिर भी ना हो तो अपना आधार कार्ड साथ में ले जाना। डन हो गया? एडमिट कार्ड, आई कार्ड या फिर आधार कार्ड ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हारा DECE का पहला पेपर, DECE 1 का पेपर है 2 दिसंबर 2022 को, DECE 2 का पेपर है 3 दिसंबर 2022 को, और DECE 3 का पेपर है 6 जनवरी 2023 को। लास्ट पेपर में तुम्हें एक महीना मिल गया पढ़ाई के लिए। अभी तुम्हारा फोकस है पहले दो पेपरों पर, अच्छे से तैयारी करो। अगर अभी तक तो कुछ भी नहीं देखा, अगर किताबों की शक्ल भी नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा, तो अगर आप मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की PDF लेना चाहो, पर सब्जेक्ट 100 रुपीज की है, तो तीनों सब्जेक्ट्स के आपको 300 में मिल जाएंगे, जिसमें मैंने आपके पूरे सिलेबस से जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो उसमें कवर कर रखी है, जो पास्ट ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं वो लिखे हुए हैं, प्रॉपर उनको सॉल्व कर रखा है, वो ले सकते हो। मेरा एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स लेना चाहो वो ले सकते हो, उसके अंदर वीडियोज भी मिलेंगी, वो टोटल कंबाइंड 600 का है। और उसके बाद अगर मैम कोर्स भी नहीं लेना, मैम PDF भी नहीं लेनी, आप कोई इजी सॉल्यूशन बताओ, और फ्री वाला सॉल्यूशन ये है, मैंने चैनल पे फ्री रिविजनरी वीडियोस करवाई हैं तीनों सब्जेक्ट्स की, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस भी डाली हुई हैं। YouTube पर सर्च करोगे लेवल अप लर्निंग, हमारा चैनल आ जाएगा। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, DECE 1, DECE 2, DECE 3, तीनों की इंग्लिश मीडियम अलग, हिंदी मीडियम अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिस सब्जेक्ट का पढ़ना उसकी प्लेलिस्ट खोलना, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर कराते हुए की वीडियो डली हुई है, वो देख लेना। और लाइव रिविजनरी सेशन जो हुए थे तीनों सब्जेक्ट के इस बार वाले, वो हर बच्चा कम से कम 2 बार देखकर जरूर जाएगा। दिस इज आई एम टेलिंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, कि बच्चे आकर बोलते हैं, मैम हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था, बस आपका जो लाइव सेशन था ना, सच्चे दिल से उसको 2 बार सुनकर गए थे, और पेपर में ऐसा लग रहा था क्वेश्चन भी वही है, और आपकी आवाज गूंज रही थी हमारे कानों में, दिमाग में, और हम वैसे ही आंसर लेकर आ गए, तो आसानी से पास तो हो ही जाएंगे। तो वो लाइव सेशन प्लीज 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 देख कर जाना। देखो, इसमें मेरा कोई लालच नहीं है कि मैं कह रही हूँ मेरी PDF लो या वो लो, वो तो फ्री सेशन है। फ्री में इतनी वीडियोस देखते हो, इतने प्रैंक्स देखते हो, इतनी सारी वीडियोस देखते हो, तो पढ़ाई की वीडियो है, वो जरूर देख लेना। सच में बाद में तुम्हें पेपर देकर आओगे ना, दिल से खुशी होगी कि अच्छा करा मैंने वो सेशन देख लिया। ठीक है जी। उसके बाद पेपर जब देकर आओगे DECE 1 और 2 का, तो देखो साथ साथ ही है, जब पेपर देकर आ जाओगे तो एक 30 सेकंड की छोटी सी वीडियो बनाकर हमारे लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर पर भेज देना कि आपको मुझसे पढ़कर कैसा लगा, और कि मतलब कैसा रहा आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस, आपका एग्जाम कैसा गया। 30 सेकंड की छोटी सी वीडियो बनाकर भेजना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम लोगों की इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस आती हैं, और वो मुझे मोटिवेट करती हैं कि आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं और ज्यादा मेहनत करूं। पेपर देने के 2 महीने तक तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट कैसे चेक करोगे? गूगल पर सर्च करोगे इग्नू ग्रेड कार्ड, वहां पर अपना एनरोलमेंट नंबर डालोगे तो आपके रिजल्ट शो होने लग जाएंगे। किसी कारण अगर आप अभी पेपर नहीं दे पा रहे हो तो आगे आप जून 2023 में पेपर दे सकते हो, अगर आपके जो कोर्स की वैलिडिटी है वो अभी तक है,
उससे पहले एग्जामिनेशन फॉर्म भर देना और तब पेपर दे सकते हो। अगर अभी आपने असाइनमेंट और प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया और पेपर नहीं दे पा रहे तो कोई बात नहीं, आप जून में दे सकते हो अगर आपके कोर्स की वैलिडिटी है अभी और आपको दोबारा से असाइनमेंट और प्रोजेक्ट उसमें सबमिट नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है जी, छोटी सी क्विक वीडियो थी बहुत सारी चीजें बताने के लिए, वो मैंने आपको बता दी। आपकी जो आंसर शीट होगी, हाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपने कोई भी मीडियम चूज कर रखा है, आप अगर हिंदी में पेपर अटेंड करना चाहो पूरा का पूरा, तो आप हिंदी में पेपर अटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक आपको जो आंसर शीट मिलेगी उसी के अंदर पूरा का पूरा पेपर करना है, कोई सप्लीमेंट्री शीट नहीं मिलेगी। उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 24 शीट्स होती हैं, तो वो दिस अपना हिसाब किताब बिठा लेना कि एक क्वेश्चन को कितने पेजेस देने हैं ताकि आपका पेपर ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए और शीटें कम ना पड़े। ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन के लिए आप 5 शीटें यूज कर सकते हो, क्योंकि 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो एक क्वेश्चन को अगर आप 5 शीटें देते हो तो आपका 24 शीटों में पेपर हो जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो पूरे पूरे 5 शीटों में लिख दिए, 5वां क्वेश्चन आप 4 शीटों में लिखोगे तो उस हिसाब से 24 शीटों में पूरा पेपर हो जाएगा। ऐसे भावुक कृपया करके मत होना कि पहला क्वेश्चन 10 शीटों में कर दिया, बाकी शीटों के लिए क्या नहीं बचा, शीट नहीं बची और फिर सब धड़ाक धड़ाक हो गया मिक्सअप। ऐसा मत करना, ऑर्गेनाइज्ड वे में पेपर करना, एग्जाम्पल्स जितने हो सके एग्जाम्पल्स लिखना, कंक्लूजन निष्कर्ष डाल देना, एक क्वेश्चन को आधा घंटा देना, 3 घंटे है 5 क्वेश्चन करने, आधा आधा घंटा दोगे तो 2.5 घंटे में पेपर हो जाएगा, यानी कि 2 hours 30 minutes में। किसी क्वेश्चन में 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग भी गए तो वो आपका जो आधा घंटा एक्स्ट्रा है वो कवर अप हो जाएगा। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बहुत 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 बढ़िया पेपर करके आना, कि तुम जब पेपर देकर आओ तो पेपर देकर आने के बाद तुम्हारे फेस पे वो बड़ी सी स्माइल, और जब आवर स्टूडेंट्स दिखे तो तुम उतने कॉन्फिडेंटली बता सको कि हम सिमरन मैम से पढ़कर गए थे, जैसा उन्होंने पढ़ाया था वैसा ही पेपर आया था। और आगे आने वाले, अगर जैसे जिन बच्चों ने ये DEC कर लिया, अब आगे NTT 83-93 की वैकेंसीज जो काफी टाइम से रुकी हुई थी वो आने वाली है, उसका कोर्स लेना चाहो वो हमारा लेवल अप लर्निंग का कोर्स ले सकते हो। आगे आने वाली वीडियोस में मैं CTET और पंजाब के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट PTET की तैयारी शुरू करवा दूंगी, वो आप दे सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना ताकि हम ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते हुए आपको पढ़ाते रहें और आपको मदद होती रहे, आगे आने वाले बच्चों की भी मदद होती रहे, और हम हंसते खेलते ही ये एजुकेशन का जो लेवल है उसको आगे पढ़ाते रहे। थैंक यू वेरी मच फिर से एक बार सच्चे दिल से, ऑल द वेरी बेस्ट। टॉपर्स कौन होंगे? हमारे बच्चे ही सारे टॉपर्स होंगे, इतने मेहनत से मैंने पढ़ाया है, इतनी मेहनत से तुम भी पढ़कर एग्जाम्स अटेंड कर कराना। जब तुम्हारे ग्रेड कार्ड आ जाएंगे, अच्छे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर पे अपने ग्रेड कार्ड की पिक्चर्स शेयर कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगता है हर बार सेशन के बाद तुम्हारे ग्रेड कार्ड की फोटोज को संभाल कर रखना, तुम्हारी अच्छी अच्छी जो भी ब्लेसिंग्स आती हैं, अच्छे अच्छे रिव्यूज आते हैं, 30 seconds की वीडियोज आती हैं, उन सबको समेट कर रखना, एक फोल्डर बनाकर रखना, जो मुझे मोटिवेशन देती है। ठीक है जी, तो उसे भेज देना हमारे लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर पे। अब एग्जाम आ चुके हैं, लग जाओ अपनी तैयारी में, ऑल द वेरी बेस्ट। और लाइव रिविजनरी सेशन सब बच्चे कम से कम 2 बार जरूर देख कर जाना, सच में वो वीडियो आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।